मैं हूँ मगरूर नैना, चांद का नूर नैना। जान जान तुम कहाँ हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम? फोन मेरा अंदर कमरे में पड़ा हुआ है। जान तुम्हें पता है खबीस आदमी ने मेरा जीना हराम किया है, मुझे इतने गंदे गंदे SMS कर रहा है। ये कौन है, वो कौन है, मुझे उसका नंबर बताओ। नंबर क्या है इसका? 03 है। तुम जानते हो? आ जाओ मेरे साथ, जल्दी से मुझे बताओ कौन है ये, मैं इसका टेटवा दबा दूंगी। इधर आओ, इधर बैठ जाए आप। क्यों, वहाँ क्यों बैठा रहे हैं? यहाँ क्यों ना बैठाऊं? बहुत शौक है आपको लड़कियों को अपने पास बैठाने का। मैं अपनी जान के पास बैठूंगी। वाह वाह, कैसा है मेरा जान। बबली देख रहे हो ना आप? हाँ। What is happening in our house? What is this? कोई happening नहीं। क्या ये क्या? आपने introduction नहीं करवाया? क्या black and white? बबली है। हाँ। आप? फाइक है। हाँ, फाइक है। जरा बबली उतना यहाँ से उधर जाके बैठ जाओ। क्या? हाँ, फाइक है। क्या हुआ? से हैं आप? ठीक है वो? बिल्कुल जैसा आपको लग रहा हूँ। अगर आप उनको बोलने देंगे तो ज्यादा अच्छी मेरी आवाज। लड़की मैंने एक गाल दे दस। हाँ जी पूछ लो। तू तवे ते मिर्चा पा के किनू मुतासर करना जा रही? क्या? हाँ, क्या हुआ? इतने किसी ने नहीं करना, इतने किसी ने नहीं करना। वो मैंने, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया जो आप हरकतें करते फिर रहे हैं। नंबर देख लिया मैंने, नंबर देख लिया। और तो जब इसकी अम्मी मैसेज नहीं देखेगी तो इसी को जाना। अम्मी मैसेज नहीं सुनेगी तो इसी को करना है। अच्छा जान तुम इनको मना करो, ये मुझे मैसेजेस ना किया करें बस। तो अम्मी से कहो ना वो मैसेज का जवाब दिया करें। अम्मी के पास फोन ही नहीं है जान, फोन तो मेरे पास है ना। अच्छा ना मैसेजेस करते क्या है? करते क्या क्या है? मैसेज क्या है दिखाना जरा। देखो दिखाना, दिखाना लिखा होगा मेरा दिल करता है। मैं चाचू चाचू क्या करने लगे? लड़की मुझे दिखाओ। नहीं 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 कोई नहीं, दिखाओ मुझे दिखाओ। डिलीट कर देंगे आप? डिलीट करेंगे। ओए उंगला नाल मैसेज नहीं होता, डिलीट किधर? अच्छा जान छोड़ो सारी बातों को, तुम फाइक से बोलो ना कि मुझे ड्रामों में काम करवाएं। हाँ तो अगर हमारे घर में जरूरत है, अगर आपने करना है तो बताइएगा। ड्रामों में काम कराए कौन है ये बताते क्यों नहीं आप? जान बताओ ना मैं कौन हूँ, कौन है ये? ये मेरा घर है। वो मेरी कजन है। मेरा भी होने वाला घर है। वैसे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले एक ऑडिशन लिया जाए, उसके बाद में प्रोड्यूसर्स तक इनको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, रेडी फॉर द ऑडिशन तो बेहतरीन है, आप शामिल होना चाहेंगे? हाँ ना जरूर प्लीज, मुझे तो वैसे एक्टिंग का बहुत शौक है। ठीक है तो मैं सिचुएशन ये दे रहा हूँ कि ये मेरी वाइफ है और इनको ये पता चल गया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड और मैं इनसे छुपा रहा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं कि मैं आपकी वाइफ बन जाती हूँ और इनको आप गर्लफ्रेंड बना देते हैं। अच्छा वाइफ, अभी आप दोनों डिसाइड कर लो कौन है। नॉट एट ऑल, आपने तो इनकी बनना ना बाद में वाइफ, तो अभी इनको बनने दे। उनको वाइफ बनने का बहुत शौक है, बनने नहीं दे, ये सिचुएशन नहीं रहने दे। चलो ठीक है, वो मेरी मेरे पास बैठी हुई है तो ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है तो आप ठीक है चले। ठीक है तो बीवी आ रही ना ऊपर से, बीवी छापा मार रहा है, बीवी छापा मार रही है। सही है, मेरी रियल बीवी आ जाना यहाँ पे। ओके कम हियर, तो आप मेरी बीवी आ गए हैं जी। यहाँ पे हाँ जी ठीक है, चले चले हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं, ऑडिशन देखते हैं आपका जी। बाहर जाके कर रहे हैं? नहीं आप बाहर से आएंगे, अच्छी एंट्री देंगे यहाँ पे, आप बाहर चली जाए। ओके बाहर चली जाए, आप आइट जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाए, हम दूर है ना, उनको टाइम दो ना। सीन चल रहा है। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? हम तो कोई नहीं, हम वैसे देख रहे हैं, हम दोस्त हैं, रागीर हैं। आप भी डेट पर आए? मैं रागीर हूं। हम रागीर हैं, चार पांच चक्कर लगाएंगे और आपको छेड़ेंगे। ठीक है छेड़ेंगे, बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो, बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। अभी हमारे बच्चे नहीं हुए, मैं क्या करूं अम्मी, मैं अपनी बेगम को नहीं बता सकता कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मैं कैसे हिम्मत करूं? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना फाइक, आपने मुझसे वादा किया था। कैसे करूं आप वादा खिलाफ कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं बोलती आपसे। क्यों नहीं बोलती? बस मैं नहीं बोलती, मैं प्लीज मेरी बात सुनो, बात समझने की कोशिश करो। अब मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को पकड़ लो, उसको वैसे ही बहुत शक है, मेरा मोबाइल फोन चेक करती रहती है। और सलमा तुम कौन है ये? तो तुम कौन हो? भर रही है पहले। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं बाजी का बिजली का बिल था, वो भरना था मैंने। लड़की लड़की तुम्हारे साथ इस शख्स ने दगा किया, धोखा किया तुम्हारे ऊपर, दूसरी बेगम ले गया। मैं तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, उनको मैं पालूं और यहाँ पे बैठ के तुम इतना घुड़छोड़ उड़ा रहे हो?
शादी को अभी 7 महीने हुए, बच्चे कहां से? मेरी बेटी दे रही है। तुम्हारी बहन के बच्चे हो? वो मेरे भतीजे हैं। भतीजे? ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ दिमागी प्रॉब्लम। मेरी बात सुन, तुम्हारे साथ मैं कहां जाऊं? मैं तो लड़के ही में बर्बाद हो गई। लड़की देखी नहीं और ये नहीं बोलने देगी किसी को ड्रामे में। एक दफा ले जाओ, ले जाओ इसे एक दफा, बस वो खत्म हो गया ड्रामा। सही है, मेरे ख्याल में चाचा की तरफ चलते हैं। कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, आ जाओ। वेरी गुड, ठीक है। जिस तरह की ये बीवी बनी है ना, तो आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं सोच रहा हूँ। नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें ड्रामे में लेने के लिए ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई काम करना पड़ेगा। साथ में कोई दूसरा एक्टर ना हो, अकेली बोलती रहेगी, पूरा एपिसोड हो जाएगा। जी जी जान, इतनी बदतमीज बदजुबान बीवी मुझे दे दो। एक्सक्यूज मी सर, वो आपका मैंने खुरली में चारा लगा, मेरा मतलब है कि आपके बर्गर आ गए। थैंक यू वेरी मच। जाओ खाओ। भाभी क्या मतलब है सब ये? क्या अजीब अजीब बातें किए जा रहे हैं लोग? अजीब नेहरू, ये क्या? इधर आओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या? दिस इज द फोन चुकिंग। Oh. And the number is come. And this call and a good full response. And this is the Dadu charger also involved. What kind of response? 911? किसका message है? ये मेरा नहीं है, ये चाचू करते हैं। तुहाडा बेड़ा तरजे, तुहानू शर्म नहीं आती? ओ बेचारी नू तुसी मैसेज कर दे। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। सच सही है ना? मोहब्बत ना तो ज़्यादा ना उम्र। वैसे खादम, मुझे तुझसे बड़ा गिला। क्या जी? उसे आगे भाभी भाभी कह रहे हो। हाँ। चाची नहीं कह सकते। गड़ी से आएगा, आप डाल उठाएगा। अखा अखा खोल के घर चला जाना। हाँ जी चला जाना। अखा बंद करके कब्रिस्तान क्यों नहीं जाता? तो कौन है और तू साई? और चल निकल, चल निकल। और तरने ते ट्रक दे उते आ जाना। आ जाना। ट्रक थले क्यों नहीं होता? मेरी जान छड़न लगी। लेगा मैं दस मिनट में आएगा, मिनट में टॉल खाएगा। आज मैं तेरे लिए लेटेस्ट नया लतीफा लेके आया हूँ। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने ना। अच्छा है, नमा नमा नमा। हाँ बिल्कुल नमा। अच्छा इमरान खान साहब ने? बिल्कुल नमा। जीरो मीटर, जीरो मीटर। अच्छा। इमरान खान ने हले जीरो मीटर ही है। अच्छा तीन दीपा जी, इमरान खान साहब ने ना एक बात की। केड़ी? बड़े मियां साहब दी के छोटे मियां साहब दी? सारे मियां साहब दी। अच्छा इमरान खान साहब ने एक बात की। केड़ी? सियासत दी के ब्याह दी? इमरान खान साहब ने एक बात की। ते तैनू गुस्सा हो गया, उन्हें तेरे घर दी गल की थी यार। इधर आ जा, इधर आ जा। मेहमान आए, उन्होंने मेहमाना सामने मेरी बेइज्जती करना है। कौन मेहमान? साईं, वो फैक भाई आए हुए हैं। फैक भाई वो देखो। ओ फैक भाई, हमारे कराची के सुपरस्टार, बल्कि पूरे पाकिस्तान। तू फिर आ गया। ओए 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 ओए, अब भाई जी, ओए वो फैक भाई आए हैं, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। तू चल ना, मैं तेरा लतीफा सुना। हाँ मेरा सही तारफ करा दे। आ जा फिर उधर, आ जा, आ जा, आओ इधर, आप इधर आओ। ठंड लग रही है, अब मेरे लागे पखे ना चला। एदा व्याह होया, इनू वीडियो बनाउण वाले ने कुटिया। ओ क्यों? ओ कहंदा अजीब जांजा भाई, तेरी वजह तू कहंदा मेरे गोडे छिले गए। गड्डी साईं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो देखो साईं, फैक भाई आए हैं, उनसे बात करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? तबीयत कैसी? कैसी लगती है? ओके आज जाई ना, मुंह देखो। फाइव का ड्रामा देखो ना, तेरा मुंह गौर से देख जान। वाह, सात गोते कठे आए हो ना, फिर हो जाए मुंह बंद। गौर ना एलान, तेरा कैसा शलवार दी जे बरगा मुंह है। और सुनाए क्या सुनाए वो? भाजी तारुफ कर रहा है। भाई उरी बंदे आ के बुढ़ी आ।
तारफ पहले करवा दें तुम्हारा मीना से करा। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ये, पूरे पूरे खानदानी बिजनेसमैन थे। खैरात मांगने का इनका बिजनेस था, मांग मांग के ये इलेक्शंस में आए हमारे एरिया के ये काउंसलर हैं। लेकिन ये जीत गए थे, दूसरी गिनती जब दोबारा हुई ना तो हार गए। एक वोट इनको बड़ा, वो इनका अपना था, हारने की वजह से पागल हो गए माइंड में। और बहुत बड़ा बिजनेस है इनका जी, काउंसलर है। और ये जो बड़ी पे नाले नहीं होती वो बड़े शौक से खरीदते हैं जी। असेंबली में जाते हैं जी बाहर, नहीं जाने देता। इलाके के काउंसलर हैं और साइकिलों के चक्के सीधे करते हैं। आगे काउंसलर है, इसके सामने जूते नहीं उतारने। अच्छा मोबाइल का सही है, टेलीफोन देख लीजिएगा अपना है ना, अभी तक क्यों उठा लिया। सब मेरे पास पास में, मुझे शूटिंग के लिए निकलना है तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो। तंग आ गए वो, देखा है? हां भाई, नहीं तंग नहीं आया, मुझे एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये जो बोल रहे थे। बस ये बस इतना पता चले देसी जिम कह रही है। चले जी, बहुत शुक्रिया यार फाइक, आप आए और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी की बात बुरी लगी हो, क्योंकि ये सारे मेरे पड़ोसी हैं और मैं इन्हें रोक नहीं सकता, ये मेरे घर आ जाते हैं। अच्छा, और जाते जाते कोई पैगाम अगर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। ओए चलो, तू बाज आना कि नहीं हो? तेन फिर मैं अपना तारफ करावा तेन दस ही देव। मैं 302 च जेल गया वा। तू पागल, क्यों? मैं 150 च गया, मैनू रक्षे वाले ने बूहे के लाया। पैगाम बस मैं ये देना चाहूंगा कि आजकल हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम कामयाबी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उस लिहाज से हमारी सोचें बन गई हैं, सारी चीजें बन गई हैं। मेरा ख्याल है कि एक इंसान किसी बड़े डेजिग्नेशन पर है, गवर्नमेंट में है, या उसके पास उसका एक बहुत अच्छा स्टैचर है तो वो इंजॉय कर रहा है उस स्टैचर को, तो ये नहीं देखना चाहिए उसके बिहाफ पे। नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे इंसान का फैसला करना चाहिए कि वो कैसा है, ना कि ये कि उसकी तरक्की क्या है या उसके डेजिग्नेशन क्या है। ये हमारा सबका माइंडसेट बन चुका है। अगर इस तरह से हम सोचना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट इंसानियत के जमरे के अंदर बहुत कुछ सोच सकेंगे और बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। बहुत